अच्छा, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, सिंगुलर जिसका ब्रोंकस बनता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वो डिफाइन ब्रोंकस, तो आपने बताना है उसका कि विंड पाइप और ट्रैकिया कंटिन्यूज टू डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, बोथ द ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकाई एंड द सिंगुलर ऑफ दैट ब्रांच दोज ब्रांचेज आर इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ठीक हो गया जी। द ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल, जिस तरह ट्रेकिया में वो सी शेप कार्टिलेज नरम हड्डी जो होती है उसकी जो है वो दीवारें उन्होंने बनी होती हैं, इसी तरह आगे ब्रोंकाई की भी होती है। ठीक है। ईच ब्रोंकस एंटर्स इन टू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इन टू स्मॉलर ब्रांचेज। अब जैसे ये ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, द सेम वे ब्रोंकाई गोज इनटू लंग्स एंड फर्दर डिवाइड्स इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, बहुत बारीक शाखों में वो जो है डिवाइड हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जी लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंकाई आगे फर्दर किस तरह से डिवाइड होते हैं। द ब्रोंकाई कंटिन्यूज डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल द मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी। ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज, जैसे जैसे ये शाखें तकसीम होती जाती हैं वैसे वैसे इनके अंदर से वो जो ट्रैक की वो जो कार्टिलेजेस होते हैं, वो हड्डी होती है, वो नरम हड्डी, वो ख़त्म होती जाती है। जैसे आप अगर देखो तो जो कोई भी दरख्त हो उसका तना जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत मजबूत होता है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर उसकी शाखें जो है वो तकसीम होती जाती है, उसका जो शाख है वो बड़ी नरम सी होती है कि आप इवन के एक हाथ से उसको तोड़ लेते हैं। द सेम वे जो ब्रोंका ही है आगे जाके इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है जी। एज दे बिकम नैरोअर, क्योंकि वो तंग होते जाते हैं। द ब्रोंकियोज एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्वोलर डक्ट्स। अच्छा जी, कहाँ पे जहाँ पे जाके ब्रोंकियोज ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो जो फाइन ट्यूबल्स हैं, वो जो हिस्से हैं, उनको एल्वुलर डक्ट कहा जाता है। अच्छा जी, आप ईच एल्वुलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई, इनको एयर सैक्स भी कहीं कहते हैं, ये एयर सैक्स का ये गुच्छा होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, पाउचेज जैसे ये गुथलियाँ सी नहीं होती हैं अंगूरों की तरह के ना, इसका होता है शेप। ठीक है जी। द एल्वियोलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सर्विस इन ह्यूमन बॉडी, जो असल चीज़ है, जो असल सरफेस एरिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो ये एल्वियोलाई बनाते हैं, जिनसे लंग्स को शेप मिलती है, जिनसे हमारे चेस्ट को शेप मिलती है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसको एक शेप। ईच एल्वुलस, अब एल्वुलस क्या है, जैसे ब्रोंकाई जमा था, प्लूरल था ब्रोंकस का, इसी तरह एल्वुलस प्लूरल है एल्वियोलाई का। एल्वुलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स उनकी एक लेयर होती है, उससे बना हुआ ये एक सैक लाइक बोरी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अगर आपने देखा हो ये आकाश बेल, अमर बेल करके कुछ दरख्तों पे लगी होती है, अगर आप देखो पीली सी बेल लगी होती है, जिस तरह वो एक दरख्त के ऊपर चिमटी होती है ना, सेम टाइप से जो कैपिलरीज हैं उन्होंने अपना जाल बनाया होता है वो एल्वियोलस के इर्द गिर्द, उसने उसको बिल्कुल एक जो ना, जैसे आपने वो देखा है वो मुर्गियों वाला वो एक जाल होता है जिसमें मुर्गियाँ वो रख के तोलते हैं, वो जाली नुमा सा, ठीक है, सेम तरीके से ये जो कैपिलरीज होती हैं इन्होंने वो जाल सा बनाया होता है, और जो अंदर सैक लाइक एल्वियोलस होते हैं ना उसको काबू किया होता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे जी। हाँ जी, आगे जो है वो अब आपने पढ़ना है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर सारा, अब ये आगे खून में ऑक्सीजन जाती कैसे है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे, ये आगे हमने जी पढ़ना।
द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट, हमने ये पीछे हार्ट का नाइन्थ में जो आया था पढ़ा था कि पल्मोनरी एक आर्टरी होती है फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डी ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो एंटर होती है लंग्स में एंड ब्रांचेस इन टू आर्ट्रियोल्स एंड देन इन टू कैपलरीज। पहले वो ब्रांचेज में जाती है, फिर छोटी छोटी और होते होते वो कैपलरीज तक पहुँच जाती है विच सराउंड द एल्वियोलाई, ठीक है जी, जिसने वो गुच्छे पकड़े होते हैं एल्वियोल्स के। दीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूज विच फॉर्म पल्मोनरी वेन, द पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ये वो वक्त है, ये वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एयर लाइक सैक्स के अंदर बंद हवा से खून के रेड ब्लड सेल्स में जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेती है। आगे आ जाता है द लंग्स, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी, और मैकेनिज्म जो है वो ब्रीदिंग का, वो इंशाल्लाह हम कल इन डिटेल स्टडी करेंगे। मैं आपको अब इसकी सारी जो है ना, मैंने आपको ये तरीका का और ये वो सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है, ये आपने इसको इसी तरीके से लिखना है और अंदर जो चीज़ें बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई हैं वो आपने मार्कर से बोल्ड लेटर्स में ही लिखनी है, ठीक हो गया बेटे।